तो भाई रोमन रेंस की पूरी तरह से हो चुकी है बहुत बड़ी वाली इंसल्ट। एंड देन भाई सोलो सिकुआ ने बहुत ही वन ऑफ द बेस्ट मैच डिलीवर करके दिया आज के स्मैकडाउन में। एंड देन भाई एले नाइट रैंडी ऑर्टन एज स्टाइल का ब्रॉल भी आज के स्मैकडाउन में देखने को मिला है। एंड देन भाई कमाल का सेगमेंट रोमन रेंस एंड निक ऑल्डिस के बीच देखने को मिला है बैक स्टेज। तो भाई स्मैकडाउन की शुरुआत कोई और नहीं था फिनोमिनल फोर आर्म एज स्टाइल करते हैं और वो कहते हैं उन्हें चाहिए द ब्लड लाइन रोमन रेंस और उनके सामने जो भी आएगा रोमन रेंस से लड़ने के लिए रोकेगा जो भी उनको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देंगे। एंड देन भाई उन्हें इंटरप्ट करते हैं कोई और नहीं द ये चैंट्स एले नाइट। एंड देन भाई एले नाइट करते हैं उन्हें भी रोमन रेंस चाहिए। एंड देन भाई फिर से हमें देखने को मिलता है द एपेक्स प्रेडेटर वाइफ और रैंडी ऑर्टन का थीम सॉन्ग प्ले होते हुए। एंड देन भाई रैंडी ऑर्टन कहते हैं कि वो 18 महीने दूर रहे हैं रेसलिंग से। एंड देन भाई उन्हें भी द ब्लड लाइन एंड रोमन रेंस चाहिए और उनके बीच में जो भी आएगा उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देंगे। और भाई ये तीनों ही सुपरस्टार कुछ आउट क्रिएट करते हैं लेकिन तभी हमें देखने को मिलते हैं जनरल मैनेजर निक ऑल्डिस और कहते हैं कि आज से 2 हफ्ते बाद डे वन में तुम तीनों ही सुपरस्टार लड़ोगे और जो भी जीतेगा उसे रोमन रेंस मिल जाएगा। एंड देन भाई रोमन रेंस ये सारी चीज़ें बैक स्टेज से देख रहे होते हैं और पॉल हेमन से कहते हैं कि निक ऑल्डिस को बुलाओ मुझे उससे बात करनी है। एंड देन भाई पॉल हेमन बहुत ही ज़्यादा शौक होते हैं और भाई पॉल हेमन ये नहीं समझ पाते हैं कि निक ऑल्डिस से क्यों रोमन रेंस बात करना चाहते हैं लेकिन एट दी एंड टाइम पे निक ऑल्डिस आते हैं। एंड देन भाई रोमन रेंस एंड निक ऑल्डिस का हमें बहुत ही गजब का एक बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिलता है। रोमन रेंस कहते हैं कि तुम बिना मुझसे पूछे कैसे मेरे मैचेस फिक्स कर सकते और तुमने ट्रिपल थ्रेट मैच कैसे फिक्स कर दिया और कौन सा सुपरस्टार कैसे चैलेंज करेगा मुझे तुम कैसे ये डिसाइड करोगे। एंड देन भाई निक ऑल्डिस कहते हैं कि तुम कुछ नहीं हो यहाँ के, मैं हूँ जनरल मैनेजर और मैं ही सब कुछ डिसाइड करूँगा। एंड देन भाई ये बैक स्टेज प्रोमो खत्म होता है। फिर हमें एज स्टाइल का बैक स्टेज एक प्रोमो देखने को मिलता है सेगमेंट जिसमें भाई एज स्टाइल लगता है कि उसी ग्रुप को फिर से ज्वाइन कर लेंगे लेकिन भाई एज स्टाइल पूरी तरह से आउट ऑफ नो वेयर। एंड देन भाई एज स्टाइल गुस्सा होते हैं और वहाँ से चले जाते हैं और वो ज्वाइन नहीं करते। एंड देन भाई फिर हमें मैच देखने को मिलता है एज स्टाइल वर्सेस सोलो सिकुआ का वन ऑफ द बेस्ट स्मैकडाउन का मैच। एंड देन भाई इसमें सोलो सिकुआ ने जो डिलीवर करके दिया है वो आउटस्टैंडिंग था। भाई ये मैच भी कमाल धमाल का था, कुछ देरी तक ये मैच बहुत ही गजब का था लेकिन भाई एट द एंड टाइम पे जिमी उसो की इन्वॉल्वमेंट हमें देखने को मिलती है और भाई जिमी उसो आते हैं इस मैच को एज स्टाइल के ऊपर अटैक करके खत्म कर देते हैं डिस्क्वालिफिकेशन में। एंड देन भाई तभी हमें ट्राइबल चीफ रोमन रेंस भी देखने को मिलते हैं जो कि एज स्टाइल के ऊपर कुछ देरी तक डोमिनेशन अपना दिखाते हैं लेकिन भाई एज स्टाइल भी बैक करते हैं और भाई पहले किक लगा देते हैं रोमन रेंस को। एंड देन भाई फिर हमें एले नाइट एंड रैंडी ऑर्टन भी देखने को मिल जाते हैं और ये लोग भाई द ब्लड लाइन के ऊपर अटैक करके द ब्लड लाइन को तो हटा देते हैं लेकिन भाई ये तीनों ही सुपरस्टार एले नाइट एज स्टाइल एंड रैंडी ऑर्टन एक दूसरे से ही भिड़ जाते हैं और भाई एट द एंड टाइम पे हमें अपर हैंड देखने को मिलता है किसी और का नहीं द ये चैंट्स द बेबी फेस मेगा स्टार एले नाइट का। और भाई एले नाइट जो हैं इस बारी पूरी तरह से अपर हैंड लेते हुए नजर आए इस मैकडाउन में। एंड देन भाई एले नाइट का थीम सॉन्ग भी प्ले होता है और भाई वहाँ से रोमन रेंस भाग पड़ते हैं और भाई रोमन रेंस की जो कैरेक्टर है वो कहीं ना कहीं इस टाइम वीक दिखाई जा रही है, आई डोंट नो क्यों। एंड देन भाई सोलो सिकुआ की बुकिंग WWE वन ऑफ द बेस्ट लेवल पे कर रही है। तो वीडियो चलो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।